नमस्कार, अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 6 जुलाई, वार है गुरुवार। बात करते हैं राज्यों के खाद्य मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 2023 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2023-24 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान मोटे अनाजों की खरीद के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। 1 अक्टूबर 2023 से नया खरीफ मार्केट सीजन औपचारिक तौर पर आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा इस सम्मेलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS, खाद्य और पोषण सुरक्षा और चीनी और एथेनॉल के बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी। खाद्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए जो अन्य एजेंडा चुना गया है, उसमें स्मार्ट PDS का क्रियान्वयन, आपूर्ति श्रृंखला का विकास विस्तार, क्रय केंद्रों पर जींसों की ग्रेडिंग और उचित दर की दुकानों का ट्रांसफॉर्मेशन आदि भी शामिल है। ये सम्मेलन देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा के इकोसिस्टम का कायाकल्प करने का लक्ष्य हासिल करने के अवसरों और उनकी चुनौतियों पर गंभीर परिचर्चा का एक बेहतरीन मंच साबित होगा और 2023-24 के लिए रोड मैप तैयार करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं ताकि समाज के गरीब और वंचित वर्ग को सही समय पर लक्षित रूप से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, अजस्ट्रो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देता है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 से ही लागू है, जिससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति माह मुफ्त में अनाज प्रदान किया जा रहा है। PDS में आगे और प्रगति और सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार अब नया प्रयास आरंभ करने का प्लान बना रही है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों की खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र ने अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों को अभावग्रस्त राज्यों में इसे बेचने की अनुमति प्रदान करती है, बशर्ते वहां इसकी अच्छी मांग हो। मालूम हो कि पहले राज्यों को किसानों से मोटे अनाज की खरीद करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसकी आपूर्ति करने की स्वीकृति दी गई थी, मगर अब वे दूसरे प्रांतों को भी इसकी बिक्री कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।